हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम आते हैं हमारे न्यू टॉय के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नटिस मोटरसाइकिल यहाँ पे दिया हुआ है। एक जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे एक मोटरसाइकिल ट्रैक दे रखा है पूरा कंप्लीट। यहाँ से इसका मूवमेंट होगा और फिनिशिंग होगी यहाँ पे। यहाँ जैसे देख सकते हैं कि बच्चा यहाँ पे चला रहा है। तो ये मोटरसाइकिल की यहाँ पर फोटो शो हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसा कि क्या क्या फंक्शन है, एक्सट्रीम स्टिमुलेटिव एक्शन दिया है यहाँ पे, और रियलिस्टिक इंजन साउंड दिया है यहाँ पे, फ्लिप एक्शन रैम दिया है एंड कंट्रोल स्पीड है। स्पीड कंट्रोल का दे रखा है यहाँ पे, कर सकते हैं स्पीड कंट्रोल को। और जैसे कि यहाँ पे शो हुआ है 3+ चिल्ड्रंस के लिए हमें मिशन किया हुआ है। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। पीछे बैक साइड में देखते हैं ना, बैक साइड पर उन्होंने कुछ डिटेल्स दिए हैं इसकी कि क्या क्या है, कैसे कैसे फिटिंग करनी है, कौन कौन से पार्ट इसके अंदर दिए हुए हैं, ये जैसे देख सकते हैं आप। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको ओपन करते हैं इसको। लेकिन एक बार ओपन करने से पहले मैं चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मैं अगर कोई भी न्यू वीडियो पोस्ट करता हूँ तो सबसे पहले वो आपके पास आ सके। यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास के पार्ट दिए हुए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा एलिवेटर पार्ट है। यहाँ पे डायग्राम में जैसे शो किया है ना बॉक्स में, देख सकते हैं हम। तो ये हमारा एलिवेटर हो गया, देखिए यहाँ पे। ओके, चलो मैं नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब ये हमारा ट्रैक है कोई, और ये हमारी जो हमारी बाइक है यहाँ पे जो दिया हुआ है स्टार्टिंग वाला, कुछ पार्ट्स है यहाँ डिफरेंट है। ये हमारे पास दूसरा पार्ट है, और ये हमारे पास हैगा जिसमें हमें स्पीड कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको रोट करने पर यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, और नीचे भी कुछ दिया है पार्ट्स के। तो नीचे देखते हैं, यहाँ पे उन्होंने पेपर दिया है कि कैसे इसको असेंबल करना है। और ये एक स्टिकर है ऊपर, मतलब ऊपर हम प्लेस कर सकते हैं इसको। और एक ट्रैक हमारे पास ये दिया है, एक ट्रैक हमारे पास ये है। तो चलिए हम इसको असेंबल कर लेते हैं एक बार, कैसे हमें इसको असेंबल करना है। अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो डायग्राम में यहाँ पे पहले ये हमारे पास ये है ना, इसके साथ उन्होंने इसको असेंबल कर रखा है, यहाँ पे फिट कर रखा है। तो इसको हम भी फिट कर लेते हैं। नाउ ये पार्ट यहाँ पर यहाँ पे फिक्स हो गया, और अब देखते हैं यहाँ पे कि या फिर बॉक्स में भी देख सकते हैं जैसे उन्होंने बॉक्स में कर रखा है। यहाँ पे ये पार्ट हमारे यहाँ पे फिक्स हो चुका है, यहाँ पे हमारे पास वो लगेगा, इसको हम बाद में लगा लेते हैं। फिर हमें पास एक ट्रैक हमारे पास ऐसे आ रहा है, सो ये ट्रैक हमारे पास है। उससे पहले यहाँ पास हमें ये भी लगाना है यहाँ पे, तो इसको हम प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। और ये हमें यहाँ पे लगाना है, इसको हम ऐसे लगा सकते हैं या फिर हम इसको मूवमेंट देंगे यहाँ पे। और ये हमारा जो है बॉटम साइड में लगा हुआ है, इसको हमने और इसको यहां से कनेक्ट किया हुआ है। और ये हमारा यहां से कनेक्ट हो रहा है। देख सकते हैं ऐसे कंप्लीट अरेंजमेंट हमारा हो गया यहाँ पे। मैं एक चीज़ यहाँ पे करना भूल गया हूँ, यहाँ पे हमारी बैटरी इंस्टॉल होनी है।
बैटरीज को मैं ओपन कर लेता हूँ, बैटरी सिस्टम कर लेता हूँ यहाँ पे। बैटरीज मैंने इंस्टॉल कर दी है। तो ऑन ऑफ करने के लिए वहाँ पर ही जो हमारे पास रेगुलेटर दिया है इसका आप देख सकते हैं जैसे कि, तो मैं इसको यहाँ से ऑन ऑफ ऑन कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो इसको ऑन करना अभी करेंगे हम। पहले मैं जो ये पैकेट है वहाँ पर छोटा सा रेगुलेटर इसमें क्या दिया है, तो ये पैकेट में आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये आइटम्स निकले हैं और ये यहाँ पर स्टार्टिंग का रखा है और ये स्टिकर है यहाँ पे, तो इन स्टिकर को आप लगा सकते हैं बाइक के ऊपर या पार्ट्स में। मैं इनको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। और ये हमारा जो पार्ट है ये जो दे रखे यहाँ पे, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि बॉक्स पे दिया हुआ है इन्होंने, तो बॉक्स में यहाँ पर प्लेस हो रहा है इसको, इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। और ऊपर उन्होंने ये भी ये जो हमारा स्टिकर है मैंने उसको लगा दिया। तो ये हमारे पास लग गया है, अब इसको चाहे तो और नीचे कर सकते हैं, बस हो गया है। और ये यहाँ पास एक स्ट्रैप दिया है जिसको उन्होंने अगर हम देखते हैं डायग्राम में, तो यहाँ पे उन्होंने पीछे साइड में लगा रखा है, इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ जैसे कि ये हमारा मूवमेंट में इजीली रहेगा। फ्रेंड्स मैं अब इसको ऑन कर लेता हूँ यहाँ से, ये जो हमारे पास की दी है इन्होंने, तो इसको ऑन कर लेता हूँ यहाँ से प्रोडक्ट करके। तो ये ऑन हो गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसका मूवमेंट। एक ज़बरदस्त बाइक ट्रैकिंग रेस रेस सिस्टम पूरा यहाँ पे दिया हुआ है आपको, आपकी बाइक का मूवमेंट कैसा रहेगा यहाँ पे आप। बाकी ये हमारा स्पीड कंट्रोल का भी है, हम ऐसे स्पीड को कम कर सकते हैं। अब हम स्पीड को कम कर सकते हैं इसको, क्योंकि स्लोली मूवमेंट इनका होगा फिर। और जैसे कि उन्होंने डिफाइन किया है कि जो साउंड हैगी वो एक इंजन साउंड है, तो आप फील कर सकते हैं जैसे कि ऐसा सुन सकते हैं इसको कि हाँ ये इंजन साउंड आ रही है आपकी। ये तो एक अच्छा प्रोडक्ट है, अगर हम बात करते हैं तो एक अच्छा प्रोडक्ट है बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चे काफ़ी पसंद करेंगे इसको। एक जो होता है कि बाइक ट्रैकिंग रेसिंग का होता है इनका शौक़, तो इसके अकॉर्डिंग अच्छा प्रोडक्ट है। तो आई होप आप सबको ही पसंद आया हो। आप अपने रिव्यूज़ या कमेंट मेरे को अपने नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं। थैंक यू।